हाय गाइस, वेलकम बैक। आज फिर हम एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक कनौकनी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कनौकनी होती क्या है, हम इसे इसके होने के कारण क्या है, हम इसके नुकसान क्या हैं और हम इसे कैसे ठीक करें, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये कनौकनी की जो समस्या है ये क्या होती है, हमारा जो बॉडी का मोटापा है सबसे बड़ा कारण ही, जो बॉडी का मोटापा ही कनौकनी का कारण है। जब हमारी बॉडी में जो विटामिन डी की जो समस्या है, इससे सबसे बड़ा तो नुकसान जब हम रनिंग करते हैं या हम वॉक करते हैं तो हमारे जो घुटनों का जो बिल्कुल जो आपस में इस तरीके से रगड़ाते हैं, तो जिससे क्या होता है, हम ना तो अच्छी रनिंग कर सकते हैं, ना ही हम किसी आर्मी या आजकल जो नए यंग जनरेशन है उसमें भी ये समस्या काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी है। जब उनका मेडिकल होता है तो मेडिकल में वह इसी समस्या के कारण अनफिट हो जाते हैं और हम इसे ये कनौकनी की समस्या को हम ठीक कैसे करें, इसके बारे में बात करते हैं। कई बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जो वो कहते हैं कि हम इसे 10 दिन में ठीक कर देंगे, 15 दिन में ठीक कर देंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। कनौकनी की समस्या को लगभग ठीक होने में कम से कम 1.5 से 2 मंथ का टाइम समय लगता है ये समस्या को ठीक करने का। तभी ये समस्या ठीक होगी जब आप कम से कम डेली 10 से 15 मिनट आप रोज़ाना एक्सरसाइज करोगे, तभी ये समस्या ख़त्म होगी। और हम आगे बताएंगे कि आपको ये कनौकनी की समस्या ख़त्म करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है कनौकनी ठीक करने की, इसे हम बटरफ्लाई कहते हैं। ये एक्सरसाइज हमें इस तरीके से करनी है इस तरीके से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्मेंस करनी है। इसका जो मेन बेनिफिट है, जो हमारे जो घुटनों में ये स्ट्रेच तो बनी रहती है और अच्छा खिंचाव रहता है, इसे हम रोज़ाना जो हमें एक्सरसाइज करनी है ताकि हम जो हमारे गोडे आपस में टकराते हैं ये बिल्कुल ठीक हो जाएं। और आज की जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है कनौकनी ठीक करने की, इसे हम कहते हैं सुमो स्क्वाट। हमें जो अपनी पोजीशन है, हमें जो इस तरीके से हमें अपनी जो पोजीशन रखनी है और हमें ये एक्सरसाइज को इस तरीके से परफॉर्मेंस करना है, इस तरीके से। इसे सुमो स्क्वाट कहते हैं। और जो हमारी आज की जो तीसरी एक्सरसाइज है, बिल्कुल हमारे जो इस तरीके से पोजीशन रखनी है, ठीक है, और इस तरीके से परफॉर्मेंस करना है इसे ताँ जो हमारे जो नहीं है जो बाहर की तरफ बैंड हो सके, इस तरीके से जो एक्सरसाइज परफॉर्मेंस करनी है। और ये एक्सरसाइज है जो हमें इस तरीके से परफॉर्मेंस करनी है, इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से परफॉर्मेंस करनी है जे एक्सरसाइज को। ये एक्सरसाइज करने से भी जो हमारे जो घुटनों को कई जो जे गैप है ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आज की जो हमारी पांचवी एक्सरसाइज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। हमें जे एक्सरसाइज करने के लिए जो जिम में जाकर जे प्लेट लेकर हमें जो अपने घुटनों के बीच में ये सेट करनी है इस तरीके से। और हमें ये एक्सरसाइज देखने में आसान लगती है पर बहुत मुश्किल है, और हमें इस तरीके से ये परफॉर्मेंस करनी है, इस तरीके से ताँ जो ये जो प्लेट है ना ये हमारे घुटनों के बीच ही रहनी चाहिए, इस तरीके से हमें ये परफॉर्मेंस करना है ताँ जो हमारे नौकनी की समस्या बिल्कुल ठीक हो सके। कम से कम इस जे एक्सरसाइज रोजाना 10 से 15 मिनट हम जो रोजाना करेंगे ना, तभी जो हमारी जे नौकनी की जो समस्या है जे बिल्कुल ठीक होगी, ना तो जे हफ्ते में ठीक हो ना 10 दिन में ठीक हो, कम से कम 1.5-2 मंथ का टाइम लगता है इसको ठीक होने में।
और आप जो एक्सरसाइज रोजाना डेली करो ता जो आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके और आपका जो आर्मी का लगने का जो सपना है वो पूरा हो सके। इसी वजह से भी आप आर्मी में अनफिट हो जाते हो। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ता जो हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेट मिल सके। धन्यवाद।